दोस्तों आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं पतंजलि के न्यूट्रेला आइसोप्योर गोल्ड वे प्रोटीन को। सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं, तो ये मैंने अमेज़न से परचेज किया है 2000 रुपए में। दोस्तों गोल्ड, जब भी कोई कंपनी अपना गोल्ड नंबर लॉन्च करती है तो वो लोन नंबर होता है जिसमें वो अपना सबसे बेस्ट डालते हैं। गोल्ड का मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो भी कंपनी के पास सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी बेस्ट थ्योरीज हैं, उनका इसको बनाने में इस्तेमाल होता है, किसी भी कंपनी का जो गोल्ड प्रोडक्ट होता है। तो देखते हैं पतंजलि ने कितना अपना बेस्ट डाला है, कितना बढ़िया इस प्रोटीन को बनाया है। इससे पहले मैं आपके साथ एक बात और करना चाहता हूं कि जब भी हम पतंजलि की ऑडियंस देखते हैं तो दो तरह की हमें ऑडियंस नजर आती है। एक तो ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनको पतंजलि का हल्के से हल्का प्रोडक्ट भी बढ़िया लगता है, क्योंकि उनकी बाबा रामदेव पर पूरी श्रद्धा है। और दूसरी एक ऐसी ऑडियंस है जिनको पतंजलि का बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट भी घटिया नजर आता है, क्योंकि उनको बाबा रामदेव के नाम से ही एलर्जी है। तो आप दोनों ही तरह की ऑडियंस से मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि इसको सिर्फ एक प्रोडक्ट का रिव्यू समझा जाए, इसको किसी भी तरह से बाबा रामदेव के साथ जोड़ के ना देखा जाए। बिकॉज आई एम नो वन टू जज बाबा रामदेव, मैं किसी भी तरह से उनको जज नहीं कर रहा। सारा ही रिव्यू इस प्रोडक्ट के ऊपर होगा और मेरी पर्सनल फीलिंग्स होंगी, मुझे ये प्रोडक्ट किस तरह का लगा है। स्टेप बाय स्टेप हम इसकी डिस्कशन करते जाते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, ये मैंने 2000 में परचेज किया है अमेज़न से 1 kg की पैकिंग। उसके बाद लेबल पर कंपनी ने मेंशन किया है कि इनका जो सप्लीमेंट है बैंड सब्सटेंस फ्री है, इसमें विटामिन ऐड किए हुए हैं, किसी भी तरह की शुगर ऐड नहीं है, ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन मतलब वीट, कईयों को वीट एलर्जी होती है तो वो कुछ प्रोडक्ट्स को नहीं यूज करते, वो भी इसे यूज कर सकते हैं, ग्लूटेन फ्री है। और सोए भी फ्री है, इसमें सोए ऐड नहीं किया हुआ। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसको मैन्युफैक्चर करता है पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड और इसे मार्केटेड करता है रुचि सोया इंडस्ट्रियल लिमिटेड। रुचि सोया एक ऐसी कंपनी थी जिसे कुछ साल पहले पतंजलि ने एक्वायर कर लिया था, पतंजलि ने खरीद लिया था। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में कंपनी क्लेम करती है एक स्कूप जो कि 30 ग्राम का है उसमें हमें मिलेगा 27.2 ग्राम प्रोटीन। 30 ग्राम में 27.2 ग्राम प्रोटीन हो गया 90% प्रोटीन। और टोटल फैट है 0.4 ग्राम, सैचुरेटेड फैटी एसिड है 0.24 ग्राम। इसके बाद कंपनी बताती है इसमें कार्ब्स सिर्फ 0.51 ग्राम है, यानी कि लगभग आधा ग्राम कार्ब है एक स्कूप में। विटामिन डी, विटामिन B12 इसमें एडिड है, कंपनी ने ऐसा बताया हुआ है अपने लेबल पर। एल आर्जिनिन ऐड की हुई है। उसके बाद बायोफर्मेंटेड कॉर्न्स एक्सट्रैक्ट और मशरूम एक्सट्रैक्ट भी इसमें ऐड किया हुआ है। जो सबसे बढ़िया चीज मुझे इसमें नजर आई इस प्रोडक्ट में, वो है हड़जोड़ एक्सट्रैक्ट। हड़जोड़ दोस्तों एक ऐसा हर्ब है जिसकी की आयुर्वेद में बहुत महत्व है। इसको जॉइंट पेन के लिए, मसल टिश्यू रिपेयर के लिए बहुत टाइम से, बहुत सदियों से यूज किया जाता था भारत में। कंपनी ने प्राचीन पद्धति और नई पद्धति दोनों को एक तरह से जोड़ करने की कोशिश की है इस प्रोडक्ट में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके स्कूप एक्यूरेसी की। कंपनी क्लेम करती है इसका 30 ग्राम का स्कूप है, आइए चेक करते हैं असल में ये कितने ग्राम का निकलता है। क्योंकि कंपनी ने मेंशन नहीं किया कि ये लेवल स्कूप है या हीपिंग स्कूप है, तो हम इसको लेवल स्कूप मानकर चलते हैं। ये एक लेवल स्कूप हमने डाल दिया अपने मेयरिंग कप में और यह है 28 ग्राम। दोस्तों कंपनी क्लेम करती थी 30 ग्राम और हमारी मेयरमेंट में निकला है 28 ग्राम, सिर्फ 2 ग्राम का फर्क है, इसको हम लगभग एक्यूरेट ही कह सकते हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं इसकी मिक्सेबिलिटी। मिक्सेबिलिटी के लिए मैंने अपने शेकर में एज ऑलवेज थोड़ा सा पानी लिया हुआ है, इसमें हमने अपना एक स्कूप डाल दिया सप्लीमेंट का। इसको कुछ सेकंड के लिए शेक करने से हमें पता चल जाएगी इसकी मिक्सेबिलिटी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिक्सेबिलिटी तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया लग रही है, ये देखिए किसी भी तरह के कोई टाइनी लंब या बड़े लंब इसमें नहीं नजर आ रहे, बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब देखते हैं इसका फ्लेवर कैसा आता है, क्योंकि ये फ्लेवर्ड प्रोटीन है और हमने ऑर्डर किया था चॉकलेट आयरिश फ्लेवर। बिल्कुल लाइट सा फ्लेवर है, कोई ज्यादा मीठा नहीं है, क्योंकि कंपनी ने मेंशन नहीं किया है, शुगर ऐड नहीं की हुई, कोई फ्लेवर्स वगैरह भी इसमें नहीं है, तो बहुत जेन्युइन सा मीठा। अब हम बढ़ते हैं अमीनो एसिड प्रोफाइल की तरफ। अमीनो एसिड प्रोफाइल कंपनी ने अपने बॉक्स पर मेंशन नहीं किया हुआ, EAs और NEAs मेंशन किए हुए हैं, पर कितना कितना ग्राम यूज हुआ है ये मेंशन नहीं है। सो हम मेयर करके नहीं देख सकते कि ये स्कूपर के हिसाब से एक्यूरेट है या नहीं है। तो कंपनी का अगर कोई अधिकारी देख रहे हो तो प्लीज आप अपना अमीनो एसिड प्रोफाइल भी बॉक्स पर ही मेंशन करें। उसके अलावा दोस्तों कंपनी ने बॉक्स पे ही बताया है कि जो 90% इसमें प्रोटीन है, जो प्रोटीन है वो भी अमीनोज का ही सम अप होता है,
उसमें 7.4 ग्राम BCAAs है और 5.7 ग्राम ग्लूटामिन है, हर्ब्स वगैरह है, विटामिन वगैरह इसमें आपको मिल जाएंगे। अगर इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पर नजर डालें तो उसमें हमें नजर आता है वे 97.5%, साथ में ब्रैकेट में लिखा हुआ है वे प्रोटीन आइसोलेट एंड वे प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट। जो चीज पहले लिखी होती है उसका ज्यादा यूज हुआ होता है, यानी कि कंपनी ने जो वे प्रोटीन इसको बनाने में यूज किया है उसमें प्रोटीन की परसेंटेज 97.5% थी। उसके अलावा कोकोवा पाउडर है जो चॉकलेट का फ्लेवर आ रहा है उसके लिए, स्टेबलाइजर है, कुछ नेचुरल फ्लेवर्स हैं, एल आर्जिनिन है और खाड़जोड़ एक्सट्रैक्ट जिसकी हमने पहले भी बात कर ली थी, कोन एक्सट्रैक्ट है, ये सब चीजें इसमें उन्होंने बताई हुई हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं उस पॉइंट की तरफ जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, वो है लैब टेस्ट। तो कंपनी ने क्लेम किया है कि इनके जो सप्लीमेंट है उसमें प्रोटीन की परसेंटेज आएगी 90%, और मेरी लैब टेस्ट जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं इसमें आए 89.14% ड्राई बेसिस पे, यानी कि कंपनी की इंफॉर्मेशन और हमारी लैब टेस्ट बिल्कुल आपस में मैच करती है। सो दोस्तों वाकई गोल्ड स्टैंडर्ड है, पतंजलि ने बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड्स पर बनाया है, हर तरह से मेरी नजरों में ये प्रोडक्ट पास है। अगर आप लेना चाहें तो आप इसको जरूर परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।